आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रशासन से नाराज छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों ने यहां प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इन लोगों ने पहले फैकल्टी का गेट ही बंद कर दिया, फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप है कि इस दौरान इन लोगों ने डीन और प्रोफेसर को भी बंधक बनाए रखा। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र लाइब्रेरी ना खुलने से नाराज हैं और ऐसा ना करने पर अब इन्होंने आंदोलन की धमकी दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सीढ़ियों पर बैठे छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। छात्र काफी जोश में हैं और उनके पीछे का गेट बंद है, जहां कई लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है। प्रदर्शन कर रहे लोग बीएचयू के ही छात्र हैं और गेट के पीछे जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया है। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट के छात्रों की नाराजगी लाइब्रेरी न खुलने और कैंपस में फैली गंदगी को लेकर है। इन दो मांगों को लेकर ही छात्रों ने डिपार्टमेंट हेड से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ तो चैनल गेट पर ताला लगाकर प्रोफेसर को बंधक बना लिया। छात्रों ने जल्द मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।